हम जा रहे हैं रामदेवरा बाबा के दर्शन करने। तो रास्ते में देखिए कितने सारे भंडारे आपको दिखाएंगे हम, बहुत सारे भंडारे जहाँ पर बाबा के जो भक्त आते हैं उनके लिए ऐसी सेवा की जाती है, रुकने की व्यवस्था की जाती है, खाने की, नाश्ते पानी की सभी की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए एक भंडारा हमको ये मिला है। तो हमारे इस ब्लॉग में आप बने रहिए और आपको एक से बढ़कर एक पूरा दृश्य दिखाया जाएगा यहाँ से सुजालपुर से रामदेवरा तक का। तो ये आप एड्रेस देख सकते हैं, सलसले का ये भंडारा है और इसके अंदर चलकर आपको दिखाते हैं हम क्या क्या नज़र आता है। तो देखिए कई लोग बैठे हैं और ये डेकोरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना शानदार डेकोरेशन किया गया है। ऐसा डेकोरेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको ये देखिए पूरा मंदिर आपको दिखाया जा रहा है। जय बाबा रे दादा। जय बाबा जी साहब। क्या नाम आपका? धीरज। ये धीरज भाई साहब हमारे, ये देखिए आराम कर रहे हैं भाई साहब। क्या नाम आपका भाई साहब? ये मुकेश भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब बैठे हैं और देखो और भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर चाय भी आ चुकी है हमारे लिए। बाबा की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। कब से सेवा कर रहे हो बच्चों? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से? वाह यार मजा आते हैं सेवा करने में। स्कूल स्कूल जाते हो? स्कूल से छुट्टी मार ली जाते हो? चलो बढ़िया। देखो चाय चल रही है, भाई साहब ने हमको चाय पिलाई, बहुत बढ़िया। और ये देखिए यहाँ पर ये जा रहे हैं और ये दादा यहाँ पर जो भी यात्री आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। जय बाबा रे। तो यहाँ पर हमको फिर से रोका गया है। देखिए साथियों ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर लोग इंतजार करते हैं रुकवाने के लिए, बैठे रहते हैं इंतजार में कब बाबा आएंगे। जय बाबा रे सा। ये देखिए इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब बाबा आएंगे, उनको रुकवाएंगे भंडारे के लिए। और ये कौन सी जगह है दादा? गोदना। गोदना। ये दादा हम पहले भी आए थे दादा के यहाँ, गोदना में हर साल आते हैं अपन। ये सेवा करते रहते हैं, बैठे रहते हैं और भक्तों का इंतजार करते हैं कब बाबा आएंगे कब। हाँ और ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, एक से बढ़कर एक आपको दृश्य दिखाई देंगे भारत की सुंदरता और यहाँ की जो देशभक्ति दिखती है, जो भावनाएं दिखती है आपको बाबा के प्रति, वो आप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए कितना प्यारा है नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर। जय बाबारी के साथ स्वागत करते हैं और आप देखिए ऐसा स्वागत, आप हमको भी बिठा कर उन्होंने तिलक लगाया, नाश्ता कराया। कई जगह बहुत अच्छी अच्छी सेवा दी जाती है। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये भाई साहब पानी से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। पूरा दृश्य देखिए, ये बैठे हैं यहाँ पर। जय श्री महाकाल। और ये देखिए धुनी चल रही है यहाँ पर, बाबा की धुनी। और अभी अंदर, पिछली बार तो अंदर भी गए थे हम। हाँ चले। और यहाँ पर ढोल भी रखा है, नगाड़े ढोल की आरती होती है। और ये देखिए अंदर मंदिर भी है। हाँ, तो आपको मंदिर दिखाएंगे। ये देखिए मंदिर। जय बाबा री। जय। सब सेवा में लगे हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारा स्थान। ये क्या इधर? समाधि। अच्छा समाधि स्थल, ये समाधि स्थल भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए बैठे हैं और देखिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसादी ले रहे हैं, प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। और ये बिल्कुल शानदार दृश्य आपको एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिलेंगे पूरे सफर में। भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये देखिए खाने बता दिए इधर। जय बाबा। और आगे बढ़ेंगे हम, उसके बाद में आपको दिखाएंगे जो जो आगे आपको नज़ारे दिखेंगे, यहीं से राजस्थान तक पूरे दृश्य आपको दिखाए जाएंगे। जय बाबा री। जय बाबा री। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं, ये कौन सा ग्राम दिख रहा है? ग्राम वासी मंडोदा। और यहाँ पर देखिए क्या सीढ़ी बनाई गई है, ये सीढ़ी आप देख सकते हैं कैसी सीढ़ी है गाइस, मिट्टी खोद खोद कर सीढ़ी बनाई गई है। और ये देखिए बाबा का ध्वज। देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना शानदार ये ध्वज, बाबा का ध्वज आपको दिखाई दे रहा है। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर भी एक भंडार हमें दिखाई दिया है, हमको रोका गया है इन भाई साहब के द्वारा जो यहाँ पर बैठे हैं। चलिए अंदर चलते हैं अपना। देखिए यहाँ से ये शुरुआत है, जय बाबा लिखा हुआ है। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। दर्शन कर लीजिए बाबा के। तो यहाँ पर हमने भोजन प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं और ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं। और ये मंडोदा गांव है,
यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी बाबा की ध्वजा लगा के रखी, बहुत ही बड़ी। जय बाबा रे भाई साहब। जय बाबा जी। कब से कर रहे हो सेवा यहाँ पर? हमको 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए। हर साल करते हो? हर साल करते। ये 7वां दिन है हमारा। 7वां? कितने दिन तक लगा रहता है ये? 7 साल हो गए हमको। 7 साल? नहीं, कितने दिन तक लगा रहता है? एक महीने के लिए लगता है। एक महीने लगता है। जय बाबा। जय बाबा। पर देखिए बाबा आए हैं, मतलब जो भी भक्त रहते हो आए उनके लिए, सेवा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिस्तर बिछा रहे हैं भाई साहब। जय बाबा रे भाई साहब। और चाय भी यहाँ पर लेके आ गए हैं बाबा के लिए। कौन सा गांव दादा? ये खेड़ा है चक्का। ये चक्का खेड़ा है भाई साहब। ये देखिए सेवा कर रहे हैं यहाँ पर सभी लोग, बहुत बढ़िया। चल रहा है और यहाँ पर देखिए ऐसे ही रुकते हैं, जो भी आते हैं बाबा रामदेव रखे हैं उनको इस तरीके से रुका जाता है। देखिए बाबा रे। जय बाबा रे। इंडिया का मस्त डांस चल रहे आगावन भंडारा में। जय बाबा रे। जय बाबा रे। एक और भंडारा आ चुका है यहीं पर चौमा में और माता जी यहाँ पर रोक रही है सभी को। देखिए ये सबको रोक लिया है यहाँ पर और ये भंडारा लगा हुआ है, रोकने वाले भी यहाँ पर सभी लोग भक्तों को रोक रहे हैं। जिला में कानड़ नामक जगह है और कानड़ के क्या है तो पूरे मतलब इंडिया के सुपरस्टार हो चुके हैं अपने भाई कॉमेडी बाबा जिनको आप जानते हैं, तो ये हमको मिल गए और बस एक बार फ़ोन लगाया इनको कि भैया हम आ रहे हैं, तो हमको मिल गए और बढ़िया हम सब ने एक साथ में चाय पी, बहुत बढ़िया चाय बना के दी थी भाई साहब यहाँ से लाए थे दुकान वाले भाई साहब, कौन से दोस्त लाए थे लेकिन बहुत शानदार चाय थी वो सफ़ेद शर्ट वाले। हाँ, सफ़ेद शर्ट वाले भाई साहब लेके आए थे, तो ये चाय लेके आए थे बहुत शानदार, पता नहीं करना कौन सी दुकान थी। तो वो देखिए फ्रेम में विलेन दिख रहा है आपको, विलेन वो विलेन जिनका पोस्टर लगा है वही यही अपने भाई कॉमेडी बाबा। तो गाइस कॉमेडी बाबा मिले हमको बहुत खुशी हुई, हमने हमारे पूरी मतलब फैमिली को भी मिलाया उनसे, सबको अच्छा लगा मिलके। बाबा दो शब्द हमारे भक्तों के लिए। ये कि भैया उनका बहुत अच्छा व्यवहार है और बहुत ही दिल से आए हुए हैं भैया, मतलब चाहते तो वो निकल ही जाते डायरेक्टली लेकिन मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार कम से कम भैया ने मुझे कॉल तो किया और इन्होंने बोला कि मैं आ ही रहा हूँ, तो मैंने बोला मैं जल्दी आओ भैया मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे बालक को लेने आया था मैं स्कूल से, तो इन्होंने जैसे बोला तो मैं तुरंत आ गया, मैंने कहा नहीं यार चलना पड़ेगा यार। बाकी बहुत अच्छा है व्यवहार, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया का सपोर्ट करें भैया। और कॉमेडी बाबा जो है इनका भी कॉमेडी 09 है ना, कॉमेडी कॉमेडी बाबा 09 नाम से इनका इंस्टाग्राम पर आईडी भी है और यूट्यूब पर चैनल भी है, आप नाम ही लिखोगे इसमें भाई साहब दिख जाएंगे। तो हंसो हंसा वाला काम है, कॉमेडी देखो खुश रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक हम चलते हैं रामदेव रा। जय बाबा रे। जय बाबा। जय बाबा रे। बड़े खेल
यह नानू खेड़ी मीणा नेन्या खेड़ी अहीर ये कौन सा गांव दादा है? पालड़ा। ये पालड़ा आ चुके हम। देखिए पालड़ा में भंडारा चल रहा है यहाँ पे। चलिए पालड़ा से आगे बढ़ते हैं। जय बाबा रे, जय बाबा रे। और ये आ गए हैं हम आगर के अंदर, और आगर में यहाँ पर हमको रोका गया है, तो हम फिर से रुक गए हैं और अब हम चलते हैं भंडारे के अंदर। ये आगर शहर, आगर मालवा, और यहाँ पर भी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। ये भी बाबा का मंदिर है, तो चलिए मंदिर में चलते हैं। रुका जा रहा है क्योंकि ये है बाबा रामदेव का भंडारा और हमने रोक दी है गाड़ी। चलिए चलते हैं भंडारे के अंदर। जय बाबा री। यहाँ पर अपन आ चुके हैं, और ये कौन सी जगह? यहाँ पर चाय दी जा रही डिस्पेल के अंदर भाई साहब के द्वारा। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सेवा दे रहे हैं। जय बाबा री। जय बाबा री। कब से दे रहे हो सेवा? जब से खुला है तब से। अच्छा, नहीं सुबह से बैठे हो क्या? ये कौन सी जगह भाई? गरबड़ा। गरबड़ा, तो हम आ चुके हैं गरबड़ा, आगर जिले में है ना? आगर जिले में आ चुके हैं गरबड़ा में। चलने दे यार, अरे गाड़ी चला खाली है। चिलम सुलग रही है, कितनी सुलग रही है? नहीं यार, वहाँ मुकल वहाँ। ये कहाँ की जगह है? यह खजूरी बड़ौद। खजूरी बड़ौद। हाँ। और कब से लगे भंडारो? अगले मास। अच्छा, मास से लगे। ये खजूरी बड़ौद का भंडारा देख रहे हैं आप। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और ये देखिए तीन सुबह से बैठे हैं बेचारे, सेवा दे रहे हैं। जय बाबा री। कब से सेवा दे रहे हो? कब से दे रहे? सुबह से ही। वार, कब तक रहोगे यहाँ पे? शाम तक रहेंगे। शाम तक रहोगे? 10 बजे तक। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा शहर आएगा? ये कार से आए हैं, इनको भी रुकवा रहे हैं। ये देखिए ये रुक के तो आपको जाना ही पड़ेगा, भले ही आप आज बच के नहीं जा सकते, भले आपका पेट भरा हो, फुल पेट भरा हो, लेकिन आप बच के नहीं जा सकते। आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, जो भी देंगे वो सब कुछ खाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे साथ में हमारे भाई साहब, पिताजी, छोटे भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। जय बाबा रे बेटे, जय बाबा रे। ये कौन सा गाँव है? विक्रमगढ़। कौन से जिले में आता? ये रतलाम जिले। रतलाम जिले में, तो ये विक्रमगढ़ है जो कि रतलाम जिले में आता है। और ये बच्चे देखो यहाँ सुबह से। जय बाबा जी। कब से कर रहा है बेटा? ये 2 साल। 2 साल से? और तुम दिन भर से हो क्या सुबह से? नहीं। फिर
अच्छा जब टाइम मिल जाता जब सेवा करते मजा आते हैं क्या क्या जबरदस्ती कराते मजे ये बाबा तो क्या बांट रहे हो तुम चाय चाय बिस्किट खिला रहे देख लो चाय लिया भैया बाजे बाबा रे आगे कौन सी जगह आएगी आगे पिपला सिसो से हाँ पिपला सिसो से गए थे आगे विक्रमगढ़ से हम निकलते हैं देखिए झंडा लहरा रहा है यहाँ पे नीले बादल के तले छोटे छोटे बच्चे जय बाबा रे सा जय बाबा रे आते उधर से ऑफिस है नी ओ अब हम आ गए हैं पीपलिया सिसोदिया देख सकते हैं यहाँ पर आप और बारिश बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बारिश हो गई थी हम भी गीले हो गए हमने रेनकोट पहने सभी ने रेनकोट पहने हमारे काफी बैग गीले हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखिए जनता सब रेनकोट पहनने के बाद कुछ देर मंदिर में रुकने के बाद यहाँ पर वापस अपने गंतव्य पर निकलने के लिए तैयार हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने यहाँ पर देखी छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर आए हैं देखिए भाई छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर आए भी तो मैंने देखा गोदी वाला बच्चा देखिए उन दीदी के हाथ में गोदी वाला गोदी के अंदर बच्चा देखो ये छोटा सा बच्चा इसको भी रामदेव ले जा रहे हैं देखिए कितना छोटा सा बच्चा कितने महीने का है ये बच्चा कितने महीने का है ये कितने महीने का है कितने महीने का है देखिए 5.5 महीने का बच्चा भी जा रहा है रामदेव राय क्या दुकान ले जा रहे हैं इसको दुकानें ले जा रहे कहाँ से है सायापुर जिले से देखिए छोटा सा बच्चा है जय बाबा री तो ये पीपलिया सिसोदिया था जहाँ पर आपने देखा छोटे छोटे बच्चे को भी यहाँ पर दुकाने के लिए ले जा रहे हैं जय बाबा रे और अब हम आ गए हैं पीपलिया सिसोदिया में और ये रतलाम जिला में रतलाम जिला के अंदर पीपलिया सिसोदिया आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा भैया आपको बहुत कुछ यहाँ पर बाबा के भक्तों के लिए सेवाएं मिलती रहती है और ये देखिए सब बारिश का आनंद भी ले रहे हैं बारिश भी हुई हमने भी आनंद लिया पूरा चलिए आगे बढ़ते हैं पीपलिया सिसोदिया के बाद में पिछली बार हम आए थे तो वहाँ पर सोए थे। अब रात हो चुकी है और हम आ चुके हैं पशुपतिनाथ मंदसौर जिले में पशुपतिनाथ का मंदिर है और यहाँ पर रेन बसेरा है तो यहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं भैया बाहर बारिश हो रही है इसलिए हमको यहाँ पर सोना पड़ रहा है ये देखिए छोटा सो रहा है और ये इधर ये भी सो रहा है मोटा है तो पशुपतिनाथ मंदिर के यहाँ से आज हम सो रहे हैं कल सुबह आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कल की शुरुआत करेंगे। आज का पहला दिन समाप्त हो चुका है सब सो रहे हैं रात्रि हो चुकी है मोबाइल चार्ज लग रहा है यहाँ पर अभी मोबाइल चार्ज लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो आज आपसे मिलते हैं हम कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में और नई जगह पर तो बने रहिए मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के पूरे वीडियो आपको जगह जगह के मजेदार वीडियो आपको दिखाएंगे एक से बढ़कर एक जानकारी आपको मिलेगी पूरा भ्रमण करेंगे आप लोकल जगह पर घूमेंगे गली गली गांव गांव आपको दिखाएंगे हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के तो राजस्थान जिले में बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं तो आप सभी को हमारी ओर से शुभ रात्रि और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को और वीडियो में बने रहिए कल मिलते हैं मंदसौर में और पशुपतिनाथ मंदिर आपको दिखाएंगे ठीक है शुभ रात्रि।